गाइस, एक टाइम था जब मैंने इस ब्रीड को फर्स्ट टाइम देखा तो तब इसका प्राइस 35,000 पीस से ऊपर था, क्योंकि उस टाइम ये ब्रीड कुछ ही लोगों के पास थी। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इस ब्रीड को एक हच सेलुलर कंपनी की एड में देखा था, बट उसके बाद हच वोडाफोन बनी तो मोस्टली लोग इसे वोडाफोन डॉग भी कहते हैं। वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस ब्रीड को फर्स्ट टाइम कब देखा था और उस टाइम इसका प्राइस क्या था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी डॉग ब्रीड के बारे में जो है पग, बट काफी लोग इसे वोडाफोन डॉग भी बोलते हैं, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग इसे बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो पग है ये एक एडल्ट मेल डॉग है एंड काफी अच्छी क्वालिटी में है। वैसे डॉग की क्वालिटी के साथ साथ आप लोग ये चीज तो देख ही चुके हैं कि ये कितना एक्टिव है। तो ये पग एक वेल ट्रेन्ड है एंड ओनर ने इसकी सभी वैक्सीनेशन भी कम्प्लीट करा रखी है, तो शायद कार्ड वगैरह भी आप लोगों को साथ में मिल जाएगा। एंड गाइस, आई थिंक इस पग ने अभी तक कोई भी मेटिंग नहीं किया है, बिकॉज फिलहाल ये डॉग जस्ट 1 ईयर का हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद आप लोग इसे स्टड सर्विस के लिए भी रख सकते हो। बाकी गाइस, पग के साथ आप लोगों को स्पेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग सिटीज के छोटे अपार्टमेंट्स में भी आसानी से रख सकते हो। एंड पग एक काफी अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड है जो कि अपार्टमेंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली डॉग्स होते हैं जिन्हें आप लोग छोटे बच्चों के साथ भी रख सकते हो। वैसे गाइस, पग एक काफी यूनिक सी डॉग ब्रीड है और ये बिल्कुल पंच फेस में होते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि बड़ी डॉग्स ब्रीड की तरह पग भी काफी जोर से खर्राटे लेते हैं। एंड गाइस, एक प्योर क्वालिटी के पग का मजल एंड उसका फेस ब्लैक होता है। अगर आप लोग फोन कलर के पग को परचेज करें और अगर उसका फेस ब्लैक नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे परचेज ना करें, हो सकता है कि वो मिक्स डॉग ब्रीड हो। वैसे गाइस, पग एक काफी अच्छी कंपेनियन डॉग ब्रीड है जो ज्यादातर अपना टाइम अपनी फैमिलीज के साथ ही स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो 2-3 घंटों के लिए आप लोग इन्हें घर पर अकेला भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये आसानी से घर पर अकेले भी रह सकते हैं। बट गाइस, मैंने सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बोला, कहीं आप लोग इन्हें पूरा पूरा दिन घर पर अकेला छोड़ दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता किसी भी डॉग ब्रीड के लिए। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं एंड हमेशा की तरह बात करते हैं आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोग हमेशा अपना टाइम निकाल कर वीडियोस पे करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है चेसी द रॉटवाइलर, सेकंड है इक्का गेमिंग एंड थर्ड है फूडीज। तो फ्रेंड्स, एज तो मैं आप लोगों को इसकी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो इसकी जो लोकेशन है वो है गुरुग्राम हरियाणा से। बाकी ओनर आप लोगों को लोकल एरिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर के पास जाकर भी इसे परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस, ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 13,000 पीस यानी 13,000 रुपए। बट गाइस, इस प्राइस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप लोग इसे परचेज करने जाओगे। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग किसी और डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियोस काफी शानदार है। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।